हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे बड़े मुस्कान। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में और मार्किंग स्कीम के बारे में कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आता है। इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपका भाई बहन कोई दोस्त आस पड़ोस में कोई भी ऐसा चाहता हो दोस्त उसके अंदर एडमिशन लेने, तो प्लीज उसको ब्रोकर से बचाए ताकि कोई भी ऐसे चंगुल में ना आ जाए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स से पास हो ताकि गाइडिंग के द्वारा। आज मिस गाइडिंग बहुत किया जाता है बच्चों को, दिए गए दोस्तों इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे, और एनएस की जो टीम है एग्जीक्यूटिव टीम उनसे बात करें और एग्जीक्यूटिव टीम आपका पूरी हेल्प करेगी एडमिशन के रिगार्डिंग और सभी डाउट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ज्योग्राफी का मेन मोटिव क्या है, यानी कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन अर्थ सरफेस। क्या बात है भाई, है पृथ्वी गोल है इसलिए भूगोल है इसलिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, आपको ये सिखाना क्या क्या चाहता है, एंड स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, साथ में आपको ये भी बता दिया गया इसके अंदर। आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये ब्लू प्रिंट है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं मीडियम, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक होगा आपके पास। टोटल आपके दोस्त थ्योरी का पेपर जो आएगा वो 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का पेपर आने वाला है, और जो प्रैक्टिकल आएगा वो 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर में आने वाला है। इस हिसाब से जो आपका टीएमए है वो 20% होता है 80 का, इट मींस यानी कि जो आपका टीएमए होता है वो 20% मार्क्स ऑफ थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि जो टीएमए का मार्क्स है ये 20 नंबर का टीएमए नहीं होता। बहुत बच्चे ये सोचते हैं टीएमए दोस्तों 20% होता है और ये 20% थ्योरी के मार्क्स में से टीएमए को दिया जाता है, अलग से नहीं होता कोई, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ऑलरेडी 100 आ चुके होते हैं। चलिए एक बार मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 80 का 20% आप निकालोगे, 80 का 20% तो दोस्तों 20% 80 का होता है 16। इस हिसाब से 18 में से 16 आप माइनस कर देते हो तो कितना आ गया आपका, आपका आ गया दोस्तों 64। कितना आ गया 64, यानी कि आपको जो ये 80 मार्क्स लिखा दिखेगा क्वेश्चन पेपर पे वो एक्चुअल में कितना है 64 है। क्यों, क्योंकि इसी में से 16 मार्क्स तो टीएमए को दे दिया गया है। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे क्लियर आप सभी को। लेकिन आपको थ्योरी और टीएमए इन दोनों को मिलाकर पास होना है तो 33% लाना पड़ेगा, यानी कि आपको दोस्तों 80 यहाँ पर दिख रहा है लेकिन आपको 80 में से पास होने के लिए कितने 33% लाना है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर भी ना मोटा मोटी बताऊं दोस्तों मैं 30 से 32 नंबर लेकर आना पास हो जाओगे आप, ठीक है, टीएमए और थ्योरी को मिलाकर भी लाते हो तो पास है। अगर आप मान बाई चांस आपने टीएमए नहीं दिया और सिर्फ थ्योरी में ही लाते हो तो भी आप पास माने जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं दिया तो दोस्तों फेल कर दिए जाओगे। इसके 20 मार्क्स हैं आप सभी को दे जाते हैं और 20 में से दोस्तों आउट ऑफ 20 में से मैं बताऊं तो 17, 18, 19 कहीं नहीं गए, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी के मार्क्स मैंने समझा दिया कैसे टीएमए और कैसे थ्योरी के मार्क्स होते हैं, एंड 20 मार्क्स का दोस्तों आपका होने वाला है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आपको बनाना होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन वगैरह जो है वो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं इसके बारे में बता रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पर थ्योरी पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होने वाला है, प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होगा यानी 3 घंटे का ये भी होगा, और दोस्तों जो टीएमए होगा आपका वो 20% थ्योरी मार्क्स का यानी कि 16 नंबर का होगा। चलिए पास क्राइटेरिया 33% है, मैंने आपको ये बता दिया ईच कंपोनेंट में, यानी कि आपको टीएमए भी प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है 20 का, एंड 80 का भी 33% लाना है पास होने के लिए। चलिए कोर्स कंटेंट की बात करते हैं हम कि कौन से मॉड्यूल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा जो ट्रिक है वो जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, आपको उस मॉड्यूल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उस मॉड्यूल पर ज़्यादा फोकस करना है जिसके अंदर चैप्टर्स तो कम है और उसका जो मार्क्स वेटेज है वो ज़्यादा है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल हमारे स्क्रीन के ऊपर है द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसके अंदर आपको सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है और ये एक चैप्टर जो है इसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ना है, यानी कि इट मीन्स इसका मोटिव क्या है आपको ये बता दिया है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन बता दिया गया यहाँ पे, और ये एक चैप्टर दोस्तों 4 मार्क्स में आने वाला है। अगर आपने इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो 4 मार्क्स पक्के, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए और मैं आपको बताता हूँ सेकंड मॉड्यूल पे आते हैं हम, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। अब जब हम इसको देखते हैं तो अर्थ इंटीरियर्स, अब देखो जब हम इसको देखें तो अर्थ इंटीरियर वाला चैप्टर हो गया ये आपका, तो इसके अंदर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, और हम 6 चैप्टर्स के मार्क्स वेटेज को देखें
तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 चैप्टर दोस्तों जो मार्क्स वेटेज है वो 10 है। अगर आप ये 6 चैप्टर अच्छे से करते हो तो टोटल आपके 10 मार्क्स कंप्लीट। और मॉड्यूल्स दिखाता हूँ मैं आप सभी को, ये क्लियर आपके ये सभी चैप्टर्स के आपके सिलेबस में दिया गया है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड मॉड्यूल पे, द डोमेन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। चलिए 8 चैप्टर्स में है, ओशियन वाला चैप्टर है फर्स्ट। चलिए भाई इसके अंदर भी आपके टोटल एक ही चैप्टर है, कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको बगल में दिया गया है और ये आपका एक चैप्टर आपका सिर्फ थर्ड मॉड्यूल के अंदर। और दोस्तों ये एक चैप्टर 4 मार्क्स में आने वाला है, जैसे फर्स्ट चैप्टर था वैसे ही आपका ये भी मॉड्यूल है थर्ड वाला, इसमें भी एक ही चैप्टर 4th मार्क्स में आने वाला है। अब हम बात करते हैं 4th मॉड्यूल की, जिसका नाम क्या है, द डोमेन ऑफ एयर ऑन द अर्थ। चलिए अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर है, 9 चैप्टर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर आपके कवर किए गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा आप सभी को, ये 5 चैप्टर कवर किए गए, कोर्स का डिस्क्रिप्शन ये रहा और ये 5 चैप्टर आने वाले हैं 10 मार्क्स के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल 5, द डोमेन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि बायोस्फीयर है ना, बायोमेस। देखो जो भी इसमें चैप्टर बता रहा हूँ, ये हो गया आपका 2, ये देखिए भाई इसमें 2 ही चैप्टर है इसके 5th मॉड्यूल के अंदर। आप इस 5th मॉड्यूल में देखेंगे हम तो इस 6 नंबर में आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 3 मार्क्स में दिया गया है। तो ये आपका 6 मार्क्स कंप्लीट कर देगा अगर आप ये 2 चैप्टर कर ले तो। और दोस्तों ये बेहतर रहेगा आपके लिए कि पहले जो कम चैप्टर्स वाले हैं आप उनको पहले कवर कर लो, ठीक है। 6th मॉड्यूल पे आते हैं, फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि दोस्तों इसके अंदर टोटल आपके 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। यस, इसके अंदर आपको टोटल 3 चैप्टर्स दिए गए, कोर्स का डिस्क्रिप्शन ये रहा और ये आने वाला आपके 8 मार्क्स में एग्जाम में आने वाला है। इट मीन्स आपको ये तीनों चैप्टर्स भी करने हैं, ठीक है। चलिए अगला आप मॉड्यूल है आपका, नेक्स्ट मॉड्यूल है 7th मॉड्यूल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें आपके दोस्तों इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं है, ये बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपके हैं टोटल 9 मार्क्स में। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो, इस चैप्टर 3 मार्क्स में आने वाला ये, तो आपके 9 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 8 मॉड्यूल्स हैं, 8 मॉड्यूल्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड आपका ये जो चैप्टर है इसमें पता एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ इसमें से मान लो 4 चैप्टर्स हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ चैप्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, बट बस इसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ना ही होगा, बट ये इन दोनों चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये 4 चैप्टर हमारे टोटल में दिए गए, टोटल इसका मार्क्स बैठे थे 9, ठीक है। चलिए तो मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, 1, 2, 3, 4, यानी कि दोस्तों आपके 4 चैप्टर कंप्लीट किए गए, ये 4 चैप्टर आने वाला है आपके 8 मार्क्स के अंदर। तो आपको उन चैप्टर पे ध्यान देना है जिसके अंदर चैप्टर्स कम है और मार्क्स वेटेज ज़्यादा है। चलिए 10 मॉड्यूल पे आते हैं हम, ये दोस्तों हमारा ऑप्शनल मॉड्यूल है, ठीक है, लोकल एरिया प्लानिंग, जिसके अंदर आपके टोटल 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, 3 चैप्टर्स में आपके आने वाले हैं 12 मार्क्स। इट मीन्स आपको ये वाला मॉड्यूल जो है ये करना आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो दोस्त आपको इसको करना ही करना है। एंड ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया आपके को इसमें देखो, ये बी मॉड्यूल है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना है, मैं सबसे नीचे आता हूँ, पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम फॉर रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको सभी जो प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा है, रिकॉर्ड वो टाइम वगैरह यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको यहाँ स्पेशल ध्यान रखना है किसमें, इस वाले पॉइंट में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखो ए और बी में से कोई आपको एक करना है, क्यों? क्योंकि दोनों में के जो मार्क्स वेटेज है वो 12 है। अगर आप ये करते हो तो टोटल 12 मार्क्स में ही आएंगे, अगर ये करते हो जिसमें आपको दोस्तों टोटल 3 चैप्टर दिए गए। ये देखिए आप जो ऑप्शन हमारे पास बी है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर्स दिए गए हैं जिनके वेटेज मार्क्स जो है वो 12 है, और इसके अंदर जो भी देखोगे आप तो 3 चैप्टर्स ही दिए हैं जिनके वेटेज भी कितने हैं, 12 मार्क्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ, तो ऑप्शनल में कोई आप एक कर सकते हो। एक बात आपको और याद रखना है कि जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं, जिन चैप्टर्स में से मान कोई टीएमए आते हैं, वो चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, तो पहले आप उन चैप्टर्स को छोड़ देना। अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स के इंडेक्स में आगे पीई और टीएमए लिखा होता है, तो दोस्तों जो पीई वाला है आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में चैप्टर्स एग्जाम्स में आते हैं, टीएमए वाले चैप्टर्स बहुत कम आते हैं, है ना। बट उस पर हल्के में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके बुक्स में नहीं लिखा तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने, अगर बुक में आगे टीएमए और पी जैसा कुछ कंसेप्ट लिखा है तो आप सभी को टीएमए के चैप्टर्स को छोड़ देना है। चलिए तो दोस्त यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आप सभी के, तो ये आपका हो गया चैप्टर्स और ये हो गया आपका
मार्किंग स्कीम। आप दोस्तों एक बार प्लीज इसको डाउनलोड करें, और अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाए ये ज्योग्राफी कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल में दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, सेकंड मॉड्यूल में दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर दोस्त, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने इसके अंदर आपको सेकंड मॉड्यूल बता दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एंड ये वाला चैप्टर कर लेना मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सेवन चैप्टर थर्ड मॉड्यूल में आता हूँ दोस्त, इसके अंदर थर्ड मॉड्यूल में तो भाई एक ही चैप्टर से तो कुछ है नहीं। फोर्थ मॉड्यूल में दोस्तों आता हूँ, इसमें से कौन कौन चैप्टर करना है। फोर्थ मॉड्यूल में दोस्तों आपको ये चैप्टर और 13 चैप्टर, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड और बता देता हूँ मैं आपको, फोर्थ मॉड्यूल में दोस्तों आपके तो दो ही हैं यार, इनको दो करना ही करना पड़ेगा आपको। एंड नेक्स्ट आप सभी का है यहाँ सिक्स्थ मॉड्यूल, इसमें दोस्त आपका जो ये वाला चैप्टर है ना, ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर्स वाला, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। बट आपको नीचे के दो चैप्टर करना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और नेचुरल डिजास्टर। तो दो चैप्टर आपको अच्छे से प्लानिंग करके अच्छे से समझना पड़ेगा ये वाला चैप्टर। एंड इसके बाद हमारा ये है, इसमें से आपका जो दो चैप्टर स्टार्टिंग के हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जब ये दोनों हो जाए तो बेसिक इसको लास्ट में देखना, है ना। तो इसको आप ऑप्शनल में रखना कि मेरे को इसको लास्ट में करना है, जो पहले बता रहा हूँ उनको पहले आपको करना है। इसके अंदर दोस्त आपको ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, तो पहले इन पे ध्यान देना, जब टाइम बच जाए तो उन पे ध्यान देना जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हाँ दोस्तों पॉपुलेशन वाला चैप्टर आता है इसके अंदर, पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला दोस्त ये चैप्टर इसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए बस दोस्त ऑप्शन वाला मॉड्यूल में तो आपको मैंने बता ही दिया, ऑप्शन जो आप कर रहे हो ऑप्शन वाले में ये आपको ध्यान रखना, अगर आप ये वाला कर रहे हो तो ये करें, ये कर रहे हो तो ये करें। मैं दोस्तों कहूँगा टूरिज्म वाला करें, थोड़ा ही बेटर अच्छा लगता है आज के कंसेप्ट के दौरान, ठीक है। इसमें आपको तीनों चैप्टर्स ही करने हैं, याद रहे। तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स के बारे में, पिछले साल के सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, साथ ही ज्योग्राफी के पूरे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्त हमने बनाया जिसमें आपको टोटल 200 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन के अंदर आप पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें, अगर आप दोस्तों आप उसमें से पढ़ते हो तो पास तो 100% और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। वही क्वेश्चन दोस्त जो पूरे पेपर को एनालाइज करके, साथ ही उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया जो कि आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जियोग्राफी वगैरह हो गया, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, इसको हम गोल्डन सीरीज कहा जाता है, ठीक है। इस गोल्डन सीरीज की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, ठीक है। दोस्तों इस गोल्डन सीरीज को आप जरूर ले लें ताकि आपके एग्जाम्स में पूरी हेल्प करें। आई होप आपको दोस्त समझ में आ चुका है, तो कैसे टीम में बनाएंगे, कैसे प्रैक्टिकल बनाएंगे, इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बाकी तमाम ऐसे ही न्यूज़ और खबर्स एनएस के बारे में, प्लस साथ ही एनएस की सभी स्टडी आपको इसी चैनल पर करवाई जाती है, इसके लिए जुड़े रहें। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखें। दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, उत्साह बढ़ाने के थोड़ा शेयर करना ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी हमारी। जय हिंद, जय भारत।